कितना बोले थे 50 के बारे में है? अच्छा मिला जुला के हम और करके देंगे, हम ला के देंगे एक बार दीजिएगा नहीं लगता ऑफिसर बात को समझिए ना, हम एक बार ले लेंगे आप करके ना, कुछ चिंता नहीं कीजिए। ये मतलब वो सब करवा दीजिए, कर तो दी उसके सामने तो बना दिए थे चिट्ठी। लोगों का मानना है कि जब से तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्रालय अपने जिम्मे रखा है, साथ ही जब से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तभी से गलत करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते दिनों जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार के स्वास्थ्य सुविधा को सुधारने के लिए एक के बाद एक पटना के कुछ बड़े अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया और बाद में बड़े फैसले भी लिए, काबिले तारीफ है। लेकिन क्या सिर्फ राजधानी के कुछ बड़े अस्पतालों में औचक निरीक्षण भर कर लेने मात्र से शेष बचे राज्यों के अस्पताल सुधर गए हैं? बड़ा सवाल है। हम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है। दरअसल एक वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत प्रधान लिपिक यानी हेड क्लर्क उमेश चौधरी एवं मरगूब डिजिटल एक्सरे सेंटर के संचालक आसिफ अहमद के बीच की है, जहां उमेश चौधरी बंद एक्सरे सेंटर को दोबारा से खोलने की अनुमति देने के लिए आसिफ से रिश्वत के रूप में 50,000 रुपये मांग रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि viewersnews.com इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ठीक है, उसको और हम करके दे देंगे, उसको एक के बाद दीजिएगा। अरे एक उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप जानते हैं आप जो हिसाब आपने पहला बार काम किया। अच्छा इसको रख लीजिए ना, हम आपको हम एक के बाद लेंगे। कितना बोला है? तो वो 40 के बारे में बोला है। 50 नहीं, फिर झूठ बोलता बोला मेरे सामने बोला कितना बोले थे 50 के बारे में। अच्छा मिला जुला के हम और करके देंगे, हम ला के देंगे एक के बाद दीजिएगा नहीं लगता ऑफिसर बात को समझिए ना, हम एक के बाद ले लेंगे आप करके ना, कुछ चिंता नहीं कीजिए। ये मतलब वो सब करवा दीजिए, कर तो दी उसके सामने तो बना दिए थे चिट्ठी। हाँ साइन वाइन साइन बात की है तो साइन कराएंगे, अभी मीटिंग हो रही है, राजपाल समिति पटना से आदमी बैठा हुआ है, वो भारतीय हॉस्पिटल का अभी निरीक्षण किया है, अभी उसका डिस्कशन होगा, रिपोर्ट बनेगा, वहाँ साहब अब निकलेंगे वहां से करके जाएंगे तब। इस वीडियो में जो शख्स एक साथ पूरे 50,000 रुपए लेने की बातें कर रहे हैं, उनका नाम उमेश चौधरी बताया जा रहा है, जो किशनगंज सिविल सर्जन दफ्तर में हेड क्लर्क है। वहीं 40,000 रुपए देने की बातें करने वाले व्यक्ति का नाम आसिफ अहमद है, जो जिले के प्रखंड ठाकुरगंज अंतर्गत पौवाखाली स्थित मरघूब डिजिटल एक्सरे सेंटर के संचालक है। आपको बताते हैं कि पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आसिफ अहमद एक डिजिटल एक्सरे सेंटर ठाकुरगंज प्रखंड के पौवाखाली में महीनों से चलाता आ रहा था। इसी दौरान एक जांच की टीम एक्सरे सेंटर पहुंची और संचालक से लाइसेंस मांगा, जहां कागजात में कमी के कारण टीम ने दुकान को सील कर दिया, सेंटर को सील कर दिया और सील्ड सेंटर की चाबी किशनगंज सिविल सर्जन कार्यालय को सौंप दिया। इसे लेकर आसिफ जरूरी कागजात के साथ किशनगंज सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचा, जहां मौजूद हेड क्लर्क उमेश चौधरी ने सेंटर खुलवाने के लिए 50,000 रुपये का डिमांड किया, लेकिन ये 40,000 रुपये देने की बातें कर रहे हैं। इस दौरान पूरे वार्तालाप का वीडियो इन्होंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया, जिसे आपने वीडियो में बखूबी देखा है। अगले दिन सिविल सर्जन कार्यालय से मरघूब डिजिटल एक्सरे सेंटर को लाइसेंस संचालक आसिफ को सुपुर्द कर दिया, जहां सेंटर का चाबी उनको नहीं सौंपा गया। एक्सरे संचालक बताते हैं कि क्योंकि मामला रुपए की देन लेन पर अटका हुआ है, इसलिए अभी तक सेंटर की चाबी नहीं सौंपी गई है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने सिविल सर्जन किशनगंज से संपर्क करने की कोशिश किया तो उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। वहीं प्रधान लिपिक उमेश चौधरी ने हमारे सहयोगी से बातें करते हुए कहा कि मैंने कोई राशि नहीं मांगी है। जब उनका एक्सरे सेंटर का लाइसेंस इशू कर दिया गया है तो पैसा क्यों मांगते।
उन्होंने आगे कहा कि सेंटर खोलने की अनुमति सिविल सर्जन सर देंगे, जिसके लिए पत्र तैयार है, लेकिन कुछ नियम की शर्त पूरी नहीं होने के कारण सेंटर खोलने की अनुमति नहीं दिया गया है। वही आसिफ का कहना है कि लाइसेंस वीडियो बनाने के अगले दिन दिया गया, जहां हेड कलर को किसी ने इस वीडियो की सूचना दे दी और वो परेशान हो गए, जहां आनन फानन में हमारे सेंटर के लिए लाइसेंस इशू कर दिया। हालांकि जांच का विषय है, जिसे स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी को इस पर संज्ञान अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि जब एक वीडियो सामने आता है तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं उठता है, जबकि नीचे कुर्सी पर बैठे अधिकारी से लेकर ऊपर बैठे संबंधित अधिकारी एवं सरकार के कार्यशैली पर भी सवाल उठता है, जिसे बचा नहीं जा सकता और ना ही इग्नोर किया जा सकता है। अब देखना लाजमी होगा कि इस पर कब तक जांच हो पाती है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो का आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे।